नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे इस आदि जीके में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे यही आशा और यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है और कुछ ज्ञान अर्जित कर रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी इस वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए, ताकि मैं अगली बार काफ़ी बेहतर वीडियो आपके आगे प्रस्तुत कर पाऊँ। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो हिस्ट्री के कुछ बातों को नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी बड़ी ही आसानी से प्राप्त करा सकते हैं। यदि आप प्राचीन भारत के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो पीछे कुछ वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप जाके पीछे देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, चर्चा करते हैं। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था। दिलावर का पुत्र अलप खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा नगरी से स्थानांतरित कर मांडू लाया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापना महमूद शाह ने किया था। मांडू के किले का निर्माण हुनसंग शाह ने किया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिल्ली दरवाजा है। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीमुद्दीन शाह द्वारा कराया गया था। हिडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुसंग शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुसुक महल भवन को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो मिलते हैं हम कल एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।